दुरुस्त शरीफ पर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। तू कह वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद न किसी को जना, वलम यूलद न किसी से जना, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद और नहीं उसके जोर का कोई। ये सूरह इखलास कुल हो अल्लाहु अहद, जिसके फ़ज़ाइल में मैं कल बतला चुका हूँ कि इतनी बाबरकत सूरत है और इतनी अजमतों वाली सूरत है कि अगर अल्लाह को इस उम्मत की मगफिरत करना न होता तो अल्लाह इस उम्मत को सूरह इखलास न देता। यह सूरत हमें इसीलिए मिली है कि अल्लाह इसकी बरकत से हमारी मगफिरत करना चाहते हैं। कुरान करीम चूँकि अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, पाकीज़ा कलाम है, और इसलिए आप देखें कि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरान की तिलावत होती है। हमारे मशाइख बुज़ुर्गान दीन, यहाँ तक कि उनके घर की औरतों का भी ये मामूल रहा कि रमज़ान में अक्सर क़ुरान की तिलावत होती थी। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, आपका मामूल था पूरी रात क़ुरान सुनते थे। एक कारी साहब थे जो मुतायन थे, जो रात भर क़ुरान सुनाते रहते, क़ुरान सुनते रहते। एक दिन हज़रत की तबीयत नासाज थी, तबीयत में ज़ौफ़ नज़र आ रहा था, तो घर की औरतों ने कारी साहब को इशारा किया कि देखें हजरत तो मानेंगे नहीं, लेकिन आप उज़र कर दो कि मेरी तबीयत बराबर नहीं है। तो कारी साहब ने तरावी में जो पारे सुनाने थे वो सुनाए, उसके बाद उज़र किया कि हजरत आज तो आराम करेंगे, आज रात में तहज्जुद में कुरान नहीं पढ़ेंगे। कारी साहब क्या बात हो गई? कहा हजरत आज तबीयत ख़राब है, तबीयत बराबर नहीं है। कहा अच्छा आपकी तबीयत ख़राब है? कहा मेरी तबीयत सही नहीं। कहा कोई बात नहीं, आप आराम करें, जब तबीयत ख़राब है आराम ही करना चाहिए। अपना जो कमरा है उसमें ले आए और अपने गद्दे पे सुला दिया। अब इतना बड़ा शेख शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अल्लाहु अकबर, जो अलमा जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कितने बड़े आदमी थे, अपने गद्दे पर सुला दिया, चारपाई पे सुला दिया। जब कारी साहब सो गए, आंख बंद कर ली, तो कारी साहब फरमाते हैं थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि कोई मेरे पैर दबा रहा है, पैर दबा रहा। तो मैं समझा हजरत ने किसी तालिबे इल्म को भेज दिया कि कारी साहब बीमार है, पैर दबाओ। मैंने चुपके से आंख खोली कि देखूँ तो सही कौन तालिबे इल्म है। जब मैंने आंख खोली और देखा तो मैं हैरान हो गया कि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह बजाते खुद मेरे पैर दबा रहे थे। अल्लाहु अकबर, हजरत शेख पैर दबा रहे। तो मैं एकदम बैठ गया, मैंने कहा हजरत हजरत क्या कर रहे हैं? कहा कारी साहब आपकी तबीयत सही नहीं है,
आप बीमार है, तो मैंने सोचा कि आज कुरान तो मिलेगा नहीं सुनना, तो कम से कम तुम्हारे पैर दबा के खिदमत कर लूँ ताकि मुझे अजर मिल जाए, तो मेरी रात बेकार न जाए। अल्लाहु अकबर। ये हजरत अजर व सवाब के कितने मुतमन्नी थे, कितने तलाशी थे कि कहीं से अजर मिल जाए। हजरत कारी साहब ने जब देखा कि हजरत अगर यही बात है कि पैर दबा के अजर लेना, तो माफ़ करना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी तबीयत अल्लाह का शुक्र है अच्छी है, चलो फिर तो कुरान ही सुनाता हूँ, तो फिर मुसल्ले पर खड़े हो गए और रात भर कुरान सुनना शुरू हो गया। ये तो हजरत का हाल है। अच्छा, एक दिन घर पर जो घर का बच्चा कुरान सुनाता था औरतों को, वो भी सुने, अजीब बात है। आज उस बच्चे को कोई उजर आ गया, तो उसने घर में औरतों से कहा कि आज मैं कुरान नहीं सुना सकूंगा, तबीयत बराबर नहीं। कहा कोई बात नहीं। उन्होंने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह को पैगाम दे दिया मदरसे में कि कोई अच्छा कुरान पढ़ने वाला बच्चा भेज देना ताकि उसके पीछे कुरान पढ़ सके। तो पर्दे के साथ जो शराइत है उसके एतबार से ऐसा बच्चा जो बालिग न हो, या बालिग हो तो फिर पर्दा करके मस्तूरात के लिए जो शराइत है उसके एतबार से वो पढ़ाता था। हजरत ने वहां से एक लड़का भेज दिया अच्छा कुरान पढ़ने वाला, उसने कुरान सुनाया, कुरान सुनाकर वो चला गया, और कुरान सुनाया था उसने कितने पारे, इधर देखो इधर कितने पारे सुनाए थे, 3 पारे। अल्लाहु अकबर। जब सहर का वक्त हुआ तो शेखुल रहमतुल्लाह घर पहुंचे, तो जैसे ही घर आए देखा औरतों का जो मुंह है वो थोड़ा चढ़ा हुआ है, यानी ऐसा लग रहा था कि औरतें नाराज हैं। तो हजरत ने फरमाया, अरे क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, तुम्हारे चेहरे सही नहीं लग रहे। तो औरतों ने कहा, किसको भेज दिया? कहा बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, अच्छा कुरान पढ़ने वाला भेजा। कहा उसको इतनी जल्दी थी? कहा क्यों? कहा 3 ही पारे सुनाए भाग गया। कितने पारे जी, बोलो भाई मोहब्बत से, और हम कितना वर्ते, अभी तो माशाल्लाह 11 से तो अलम तो रही है, हम लोग 1.25 पारा सुनते, कितने सुनते सब, और 1.25 में भी अल्लाह ना करे कोई हाफिज साहब थोड़े स्लो आ जाए तो बात खत्म है। अल्लाह हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमाए, या कुरान सुनाने वाले अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत दे, इन्हें तंदुरुस्ती दे, अल्लाह हमें उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने जब सुना के उसको इतनी जल्दी थी कि 3 पारे सुना के भाग गया, तो आप हैरान हो गए कि ये औरतें कितना सुनती होगी, मैं तो सोच रहा था 1.25 पारा सुनती होगी। आपने पूछा, अरे बीबी हो, उसने 3 पारे सुनाए तुम्हें कम लग रहे, तो तुम सुनती कितने हो? कहने लगी, हजरत अल्लाह का शुक्र है हम रोजाना तरावी में 7 पारे सुनती है। कितने पारे? औरतों की तरावी 7 पारे, औरतों की तरावी 7। हम मर्दों के लिए सबक है कि कम से कम 1.25 पारा शौक से सुने। मैं ये नहीं कहता कि 7 पढ़ना, ये नहीं कहता कि 7 पढ़ना, मैं ये कहता हूं कम से कम 1.25 पारा शौक से सुने, मोहब्बत से सुने। भाई ये तो कर सकते नहीं कर सकते, मोहब्बत से सुने, शौक से सुने। हमारे हजरत शेख तरीकत हजरत मौलाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मान इलाहाबादी दामत बरकातुम अलैना, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे, तंदुरुस्ती दे, आप फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ते पढ़ते साहिब कुरान तक पहुंच जाता है। कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ते पढ़ते साहिब कुरान कौन है?
अल्लाह, साहिब कुरान कौन है? यानी कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ते पढ़ते अल्लाह तक पहुंच जाता है, यानी उसको अल्लाह से दोस्ती हो जाती है। किससे दोस्ती हो जाती है? और हमारे हजरत बारहा एक शेर सुनाते हैं, हजरत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की। सौम है ईमान से ईमान रुखसत सौम गुम, कौम है कुरान से कुरान रुखसत कौम गुम। हमारे हजरत बारहा ये शेर सुनाते हैं कि देखो, रोजा मन सामा रमजान ईमानन व एहतसाबन गफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, के रोज़ा और उसके जितने फजाइल हैं इन तमाम फजाइल का दारो मदार ईमान है। क्या है ईमान? यानी ईमान के साथ रोज़ा है तो रोज़ा रोज़ा, वरना तो कुछ भी नहीं। ये साधु लोग कितने मुजाहदा करते हैं, कई साधु तो आपको सड़कों पर मिलेंगे के नंगे पैर चलते और बास तो बिल्कुल नंगे चलते, सारी जिंदगी गुजार देते ऐसी, लेकिन क्या मिलेगा? खसीरत दुनिया वल आखिरत, के इनकी दुनिया भी खसारे में और आखिरत भी खसारे। तो रोजे की जो फजीलत है उसका दारो मदार क्या है? ईमान। ठीक इसी तरह कौम मिन हैसुल कौम बाकी रहती है, बरकतों से मालामाल होती है, और इस कौम मोमिन की हिफाजत होती है। उसका सबसे बड़ा सबब क्या है? बोलो, इधर देखकर कुरान। क्या है कुरान? क्या कुरान से जुड़े रहे, कुरान से वाबस्ता रहे। इब्न हंबल बहुत बड़े इमाम हैं, तकरीबन आपके जनाजे में 8 लाख लोग शरीक थे। कितने लोग? 8 लाख, उस जमाने की बात करता हूं, 8 लाख। इब्न हंबल अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा। अब कैसे देखा, हैयत कैफियत अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, उसको तो बयान नहीं कर सकते कि अल्लाह को कैसा देखा। उन्होंने अल्लाह को ख्वाब में देखा, तो अल्लाह ताला को ख्वाब में पूछते हैं, ऐ अल्लाह, अगर कोई मोमिन तेरा कुर्ब पाना चाहे, तेरा कुर्ब पाना यानी तेरी नज़दीकी पाना चाहे, तो क्या अमल करे, किस चीज़ से कुर्ब पा सकता है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, बी तिलावती कलामी, बी तिलावती कलाम। तो इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, बी फहमिन औ बिला फहमिन, ऐ अल्लाह, अगर कोई तेरी दोस्ती चाहे तो कुरान की तिलावत, बिल्कुल बराबर, तो कुरान की तिलावत समझ के करना के बगैर समझे, समझ के करना के बगैर। तो अल्लाह फरमाते हैं, ऐ इब्न हंबल, बी फहमिन औ बिला फहमिन, समझ के पढ़े तो भी, ने बगैर समझे पढ़े तो भी, उसे क्या नसीब होगा? अल्लाह का कुर्ब। मैंने इन आंखों से एक बुरी अम्मा को देखा है, कुरान पढ़ना नहीं जानती थी, बेचारी अनपढ़ थी, माहौल ही नहीं मिला होगा, कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन मैंने बराबर उनको देखा। जब भी मुझे मौका मिला, मैंने देखा कि जब जुमा का दिन होता और मर्द हजरात जुमा की नमाज को जाते, तो ये बुढ़िया कुरान करीम जो जुस्दान में लपेटा हुआ एक टाकचे में पड़ा रहता था, वो वहाँ से कुरान उठाती, अच्छे से गुसल वजू वगैरह करके, और फिर कुरान करीम को एहतराम से खोलती, और मैंने बराबर देखा, बस उंगली घुमाती थी बेचारी इस तरह, चूँकि पढ़ना तो जानती नहीं थी, सिर्फ क्या करती थी, उंगली घुमाती। आप हैरान होंगे, वल्लाह मैंने इन आँखों से देखा, उंगली घुमाने की बरकत से अल्लाह ने उस बुढ़िया को जुमा के दिन की मौत नसीब की है। कौन से दिन की? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जुमा के दिन मर जाए कोई हिसाब किताब नहीं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो जुमा की रात में इंतकाल कर जाए
कोई हिसाब किताब नहीं। और आप अलैहि सलाम फरमाते जो रमजान में चला जाए कोई हिसाब किताब नहीं। अब आप सोचे कितनी प्यारी मौत है। अच्छा एक और दो रिवायतें सुना दूं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब दुनिया में ताउन फैल जाए, वबा फैल जाए, जैसे अभी कोरोना फैला है, कई लोग कोरोना में जा रहे, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताउन फैल जाए और ताउन की बीमारी में किसी का इंतकाल हो जाए तो अल्लाह उसको शहादत की मौत देते, कोई हिसाब किताब नहीं। कैसी मौत है? शहादत। अच्छा हमारे यहाँ अभी हम देखते हैं कि अस्पताल में गए तो कोरोना था लेकिन चंद दिनों के इलाज के बाद कोरोना तो ठीक हो गया लेकिन अटैक से मर गया या कोई और बीमारी से मर गया तो इसका क्या? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ताउन के ज़माने में, ताउन के ज़माने में मरने वाला ताउन से नहीं मरा, अपनी मौत से मरा, किसी और बीमारी से। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसे भी शहादत की मौत देगा। अब आप सोचिए अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह कितना मेहरबान। खैर मैं इस पर अर्ज़ कर रहा था कि कुरान करीम इंतहाई बरकत वाली किताब है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए। हमारे हजरत शेख तरीकत हजरत मौलाना मोहम्मद कमरुज़्ज़मान इलाहाबादी दामत बरकातुहुम अलैना असल में कुरान करीम पर बहुत बातें हैं और हमारे पास सिर्फ तीन दिन, उसमें से आज दूसरा चल रहा, कल आखिरी दिन है। तो ये जो सूरह इखलास है उसका तर्जमा और उसके ताल्लुक से कुछ बातें कल आ जाएगी आखिरी दिन में इंशाअल्लाह। बस कुछ बातें कुरान से जो ताल्लुक़ रखती है ताकि आखिरी अशरा जो अभी हमारे पास है हम उसमें कम से कम ऐसा कोई निज़ाम बना सके कि भाई आखिरी अशरे में एक कुरान मुकम्मल कर सके। ज़्यादा नहीं कहता, एक तो कर सकते नहीं कर सकते। अगर कोई ये तय कर ले कि रोज़ाना तीन पारे पढ़ लूँगा तो भाई एक हो सकता नहीं हो सकता जी? हो सकता ना, आप नियत करें इंशाल्लाह। आप तो खानका चलाते हैं, जो लोग खानका चलाने वाले हैं उनको तो और नियत रखनी चाहिए कि किसी और का हो के ना हो लेकिन हमारा होगा इंशाल्लाह। रोज़ाना कितने पारे पढ़ने जी? अच्छा हमारे हजरत फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह, आप मोहब्बत से दिल से पहले पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हजरत फरमाते हैं बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ, बिस्मिल्लाह के कितने हरूफ हैं? 19। जहन्नम पर जो फरिश्ते हैं वो भी 19 है, कितने हैं? तो बिस्मिल्लाह के हरूफ 19, जहन्नम के फरिश्ते 19। हमारे हजरत फरमाते हैं अगर कोई दिल से बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो ये बिस्मिल्लाह उसके लिए जहन्नम से काफ़ी हो जाएगी। किससे काफ़ी हो जाएगी? यानी ये बिस्मिल्लाह का पढ़ना उसको जहन्नम में जाने देगा नहीं, ये जहन्नम से बचने का एक जरिया बन जाएगा, सिर्फ बिस्मिल्लाह, सिर्फ बिस्मिल्लाह। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते अगर किसी का छोटा सा बच्चा मदरसे में जाकर बिस्मिल्लाह पढ़े, क्या पढ़े? आप अलैहिस्सलाम फरमाते अगर किसी का बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़े उसी वक्त अल्लाह उसके माँ बाप की मगफिरत कर देते। उसी वक्त अल्लाह माँ बाप की क्या कर देते? यानी बच्चे ने मकतब में जाकर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह, तो इसकी बरकत से अल्लाह माँ बाप की मगफिरत कर देते हैं। उलमा ने किताबों में लिखा कि परवरदिगारे आलम को हया आती है, शर्म आती है कि जिसका बेटा मुझे रहमान कहे, जिसका बेटा मुझे रहीम कहे, मैं उसके माँ बाप को अजाब दूँ। तो अल्लाह ताला माँ बाप से अजाब उठा लेते हैं, मगफिरत कर देते हैं। तो आप सोचें यह कुरान कितनी बरकत वाली किताब है। अच्छा अभी हमारे हजरत ने एक और अजीब बात मुझे अचानक याद आ गई, कुरान में
لفظ فرعون آیا ہے، بھئی آیا کہ نہیں آیا؟ فرعون، تو فرعون تو اللہ کا دشمن ہے اور نبی کا بھی دشمن ہے، اور فرعون تو اتنا مشہور ہو گیا کہ آج ہمارے یہاں بھی کوئی سر اٹھاوے تو ہم سیدھا کیا بولتے ہیں؟ جی کہ فرعون بنائے، بولتے نہیں بولتے. فرعون ایک گالی بن گیا، فرعون اللہ کے دشمن کا نام. لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں دیکھو فرعون، فا را عین پھر واو اور نون، تو کتنے حروف ہو گئے؟ پانچ. فرعون کتنے حروف ہو گئے؟ پانچ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ کے دشمن کا نام ہے، لیکن یہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ پانچ حروف اور ایک حرف پر دس نے کی تو پانچ پہ کتنی مل گئی؟ کوئی فرعون پڑھے تب بھی نیکیاں کتنی ملتی؟ حالانکہ نظام یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ یہ فرماتے خبردار میرے دشمن کا نام لیا نیکی نہیں دوں گا، لیکن اللہ اتنا مہربان ہے کہ قرآن میں فرعون آیا تو کوئی فرعون بھی پڑھے اللہ پچاس نیکیاں دیتے ہیں، پچاس نیکیاں دیتے ہیں. تو یقیناً قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے اور رحمتوں والی کتاب ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. ایک واقعہ سنا کر انشاءاللہ ختم خاصگاہ کی مجلس کرتے ہیں. خواجہ ہندل ولی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں آرام فرما رہے ہیں. جب آپ سنجر سے چلے اپنے مقام سے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ خواجہ ہندل ولی رحمۃ اللہ مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر تھے اور وہاں سے چلے ہیں ہندوستان کے لیے. آپ کی دیرینہ تمنا یہ تھی کہ بقیہ ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزر جائے اور موت ہو تو قبر جنت البقیع میں بن جائے، یہ اکثر اللہ والوں کی تمنائیں رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو وہ شرف دیا اور کئیوں کو وہاں سے نکالا کہ تمہاری ضرورت مدینے میں اتنی نہیں ہے جتنی دوسرے علاقوں میں ہے. جیسے خواجہ ہندل ولی رحمۃ اللہ علیہ، آپ علیہ السلام کی مزار پر تھے، جب سلام پیش کیا تو جواب آیا وعلیک السلام، اور پھر آپ علیہ السلام نے یا تو قبر اطہر سے سیدھا پیغام دیا، اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے جو شیخ تھے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خواب دیا کہ معین الدین سے کہو کہ تمہیں مدینے میں رکنے کی ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت مدینہ سے زیادہ ہند والوں کو ہے، یعنی ہم لوگوں کو ہے، بھارت والوں کو ہے. جب یہ بات انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے ملی، یہ پیغام ملا، تو اس پر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، یہ ہمارے جتنے دین کا کام کرنے والے ہیں، اللہ کے راستوں میں چلنے والے ہیں، بستر اٹھا اٹھا کر ہم چلتے ہیں، کبھی سورت ہے تو کبھی پونا ہے تو کبھی ممبئی ہے، ہمارا کچھ ٹھکانہ نہیں. دو دن بعد کوئی فون کرتا مولانا کدھر، تو کہ پونا. ارے کل تو سورت تھے، بھائی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے سب اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جس کو سبق یاد ہے اس کو چھٹی نہیں ہے، اس کو چلتے رہنا ہے. ہماری یہ جتنی چلت پھرت ہے دعوت و تبلیغ کی نسبت پر، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، اور کام کی بھی اللہ حفاظت فرمائے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آج تک جتنا دین کا کام ہوا، اس وقت جو ہو رہا ہے، اور آئندہ قیامت تک جتنا کام ہوگا، یہ سارا کا سارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر، کہ آپ علیہ السلام کی طرف سے آپ کے چہیتوں کے دلوں میں باتیں ڈالی جاتی ہے، اس اعتبار سے نظام بنتا ہے اور پوری دنیا میں کام چلتا ہے الحمدللہ. حضرت خواجہ صاحب جب اجمیر میں آئے، اب وہ تو بہت ساری تفصیلات ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ایک اشرہ چاہیے خواجہ صاحب کو بیان کرنے کے لیے، لیکن
वो जो अजमेर में आए, अजमेर में आने के बाद जो हालात आए, धीरे धीरे लोग मानूस होने लगे, कलमा पढ़ने लगे, दीन बढ़ता गया, मानने वाले बढ़ते चले गए, यहाँ तक के अल्लाह ने वो दिन दिखाया कि 99 लाख लोग आपके हाथ पर तोबा कर चुके थे। कितने लोग, कितना बड़ा अदद है, अल्लाह अकबर। इसलिए मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अपने सीने में एक दर्द लेकर आए थे, एक अजीब कुरन लेकर आए थे। उस दर्द और कुरन का ये असर हुआ कि आपने भारत में कदम रखा और अल्लाह ने भारत की काया को पलट दिया। जो कुफरस्तान था, अल्लाह ने वहाँ इस्लाम का बोलबाला कर दिया, इस्लाम के नाम लेवा पैदा कर दिए, कलमा पढ़ने वाले पैदा हो गए। और अल्लाह का शुक्र है आज इस मुल्क में इस्लाम की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी है कि हमें पुख्ता यकीन है कि दुनिया यहाँ से वहाँ चली जाए, कुछ भी हो जाए, हालात कैसे भी हो जाए, अल्लाह ने चाहा इस मुल्क से न इस्लाम मिट सकेगा न मुसलमान मिट सकेगा इंशाल्लाह। इतनी जड़ें मजबूत हो गई है, इतनी जड़ें मजबूत हो गई। हजरत ख्वाजा साहब जब 99 लाख लोग तोबा कर चुके, इस्लाम का डंका बज गया, तो अपनी वालिदा को मिलने गए। असल मुझे यह सुनाना था, कुरान की बरकत अपनी वालिदा को मिलने गए। तो मां तो इंतहाई परहेजगार थी, वलिया थी, आरिफा थी। उनकी वालिदा का नाम है बीबी नूर, बीबी नूर उनका नाम है। जब वो गए मुलाकात ली तो माँ ने चेहरा पढ़ा, चेहरा पढ़ा। परहेजगार माएँ अपने बच्चों के चेहरे पर आकर दी, चेहरा पढ़ा, कहा बेटा क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रहे हो। कमा अल्लाह का शुक्र है, हिंद का सफ़र हुआ, 99 लाख लोगों ने मेरे हाथ पर तौबा की है, ईमान कबूल किया। तो माँ ने बरजस्ता बरजस्ता, उसमें तेरा क्या कमाल है, तेरा क्या कमाल है, अल्लाह अकबर। तो आप हैरान हो गए, माँ मेरा कमाल नहीं, किसका कमाल है। कहा बेटा हकीकत में कमाल पैदा करने वाली जात तो बोलो, लेकिन सबब के दर्जे में अगर बेटा मैं बतलाऊं तो तेरा इतना कमाल नहीं है जितना मुझ माँ का कमाल है, अल्लाह अकबर। कहा माँ कैसे। कहा बेटा जिस दिन तू पैदा हुआ तब से मैंने जब भी तुझे दूध पिलाया है पहले वुजू बनाया है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी है, और अक्सर ऐसा हुआ कि मैं कुरान पढ़ती रहती थी और तू दूध पीता रहता था। नहीं, आप मुझे बतलाओ जिन माओं का ये हाल हो कि वुजू के साथ, बिस्मिल्लाह के साथ, कुरान की तिलावत के साथ अपने बच्चों को दूध पिलावे, तो वो बच्चे आने वाली कल के नेक साले परहेजगार बनेंगे नहीं बनेंगे, दीन के दाई बनेंगे नहीं बनेंगे। कहा बेटा मोइनुद्दीन ये उसका कमाल है, यानी जो बचपन में शुरू में जो बीज डाला है नेकी का, ये उसका कमाल है कि आज डायरेक्ट इतना फैल चुका है और अल्लाह ने इतना काम लिया तुझसे, तो ये उसकी बरकत है, कुरान की तिलावत, वुजू और बिस्मिल्लाह, वुजू और बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए, करेंगे इंशाअल्लाह। घरों में भी, माओ बहनों में भी माहौल बनाना चाहिए कि कुरान की तिलावत होती रहे, और अल्लाह वालों के वाकियात कुछ न कुछ सुनाने का निज़ाम बनाना चाहिए ताकि घर का माहौल भी दुरुस्त हो जाए। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कल जैसे सफ़ों की तरतीब में बैठे थे, इस तरह सफ़ों की तरतीब में आमने सामने मुँह करके बैठ जाए।